नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर, सीएम नीतीश कुमार का दरभंगा दौरा आज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुया बाया तटबंध कार्य का करेंगे निरीक्षण। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निर्माण कार्य का हवाई सर्वेक्षण करेंगे सीएम नीतीश कुमार। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कुशेश्वर स्थान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम नीतीश। तो नरेला चौड़ में जल निकासी नाला कार्य और उराहीकरण कार्य का भी आरंभ सीएम नीतीश कुमार करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि फुलतोरा सड़क निर्माण कार्य का भी निरीक्षण करेंगे। तो कई सारे आज पूरे दिन में सीएम नीतीश कुमार के प्लान्स हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सीएम नीतीश कुमार से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार आज निरीक्षण करने निकलने वाले हैं दरभंगा, और कई सारे कार्यक्रम उनके तय किए गए हैं। निर्माण कार्य का हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं सीएम नीतीश कुमार। तो बड़ी खबर इस वक्त की, दरअसल कुशेश्वर स्थान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम नीतीश। और लगातार अगर हम बात करें तो इन दोनों बेहद सक्रिय, बेहद एक्टिव और लगातार बिहार के विकास को लेकर के कई सारे काम सीएम के द्वारा किए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एमएच खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एमएच, सीएम नीतीश कुमार दरभंगा पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम? जी, सीएम नीतीश कुमार दरभंगा डीएमसीएच 1:30 बजे लगभग पहुंचेंगे और 1 घंटा वहां रहेंगे। ऊपर है 6 मंजिला बिल्डिंग है, उसके ऊपरी छत से मुख्यमंत्री को स्थापित एम्स का स्थल और डीएमसीएच का स्थल निरीक्षण करवाया जाएगा। और यहाँ के जो लगातार एमएसयू मिथिला स्टूडेंट यूनियन है, वो लगातार दरभंगा एम्स के निर्माण के बगल से कई गाँव से इकट्ठा किए थे। 3 महीना पुलिस लोग यहाँ चले को क्लीनअप करने का प्रयास भी किया, जिसे एंड प्रशासन विरोध करके आज एमएसयू के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे, उनको ज्ञापन सौंपेंगे। जी बिल्कुल एमएच, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम नीतीश कुमार आज दरभंगा पहुंचने वाले हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कई सारे कार्यक्रम उनके तय किए गए हैं। आज स्टूडेंट यूनियन जो है वो सीएम से मुलाकात करेगा, लेकिन उसके पहले आपको जरा सा बता दूं कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दरभंगा दौरे पर होंगे तो वहां पर क्या कुछ खास होने वाला है ये जानकारी। दरअसल देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जिस तरीके से जो हाल की स्थिति है उस पर लगातार वो बिहार को बड़ी सौगात दे रहे हैं, और ऐसे में आज उनका दरभंगा दौरा है। दरभंगा दौरे को लेकर के दो बातें खास है। पहली बात यह है कि इससे पहले जब चुनाव हुए थे, जो दो सीटों पर चुनाव हुआ था, तारापुर और कुशेश्वर स्थान था, तो तारापुर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वहां के जनता को संबोधित कर दिया है। अब दूसरा जो उनका वो तस्वीरें अब वो इस बार फिर से देखने को मिलेगी, और ऐसे में मुख्यमंत्री कुशेश्वर स्थान जाएंगे और कुशेश्वर
कुशेश्वर स्थान जाएंगे, जहां पर वहां की जनता को वो संबोधित करेंगे। और इसके लिए उनके जो कार्यक्रमों की जो रूपरेखा होगी वो ये है कि पहले वो थुरियावस्थित जो बाया तटबंध है, 4 किलोमीटर का ये पूरा जो तटबंध हो, वहां पर वो निर्माण कार्य जो चल रहे हैं उसका हवाई संरक्षण करेंगे। जिस तरीके की तटबंध रूपरेखा होगी बताते वहां पर उसके बारे में जानकारी देंगे। इसके साथ साथ उनके जो आगे के जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक देखेंगे। कुशेश्वर स्थान में लगभग 11:30 से 12 के बीच में मुख्यमंत्री कुशेश्वर स्थान जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वही पूर्वी प्रखंड जो है कुशेश्वर स्थान का, वहां पर वो जरेला चौर है, वहां पर जल निकासी क्योंकि इससे पहले बारिश की स्थिति है कुशेश्वर स्थान में काफी देखने को मिली है, तो जरेला चौर से वो जल निकास जो नाला उड़ाकरण का कार्य है उसके उसको आराम करेंगे। साथ ही साथ आपने कहा कि वहां पर एम्स की मांग लगातार चल रही है, तो जिस तरीके से एम्स की अगर बात की जाए आपको बता दूं तो एम्स को लेकर के लगातार ये मांगे चल रही है। कारण ये रहा कि साल 2015 में मुख्यमंत्री जब वहां पर दौरे पर थे और उस दौरान आईसी के दरभंगा को एम्स देने की बात कही गई। अब ऐसे में 2015 के बाद 2021 हो गया लेकिन अब तक दरभंगा को एम्स नहीं मिला है, जिसको लेकर के लगातार जो मिथिला स्टूडेंट यूनियन है वो मांग कर रहा है कि आखिर में कब तक दरभंगा को एम्स दी जाएगी। और इसको लेकर के बजाते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ पिछले दिनों और जो मिथिला स्टूडेंट यूनियन है उन्होंने तस्वीरें साझा की है, उनके पास एक पत्थर है, वो पत्थर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और उसके बाद उस पत्थर को देंगे। और उनकी ये मांग है कि मुख्यमंत्री इस बार घोषणा नहीं करे बल्कि इस बार शिलान्यास करे, ताकि जो बातें कही गई थी एम्स देने की जो बातें कही गई थी उस एम्स का जल्द से जल्द निर्माण हो सके और दरभंगा के लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। बिल्कुल निर्भय, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे जहां सीएम नीतीश कुमार का आज दरभंगा दौरा भी है। कई सारी ऐसी लगातार विकास की कार्य है, कई सारे ऐसे काम है जो इन दिनों सीएम नीतीश कुमार खास तौर पर बिहार के विकास को लेकर कर रहे हैं। कई सारी योजनाएं, कई सारी अगर हम बात कर ले तो फिलहाल जो ताजा मामला हमारे सहयोगी निर्भय ने भी बताया कि लगातार कई ऐसे मांग है जिसको लेकर के जो मिथिला की स्टूडेंट यूनियन है वो लगातार सीएम से मांग कर रहा है और इसी सिलसिले में मुलाकात भी करने वाला है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां स्टूडेंट यूनियन जो है दरभंगा के वो सीएम के सामने उन्होंने अपनी मांगों को रखा था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम बातें कही थी। और देखिए लगातार एम्स के शिलान्यास को लेकर के वो बात कर रहे हैं और वो चाहते हैं, वो उनकी कुछ मांगे हैं जो वो सीएम नीतीश कुमार के सामने रख रहे हैं। तो सीएम नीतीश के सामने कई सारी मांगों को मिथिला स्टूडेंट यूनियन जो है वो रख रहा है और मुलाकात भी करने वाला है। और बीते दिनों की यह तस्वीर है जब आपको बताएं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उनके द्वारा और अपनी मांगों को रखा गया है।